set number 5.3 question number second question question number first simplify this one simplify question 2a plus b cube 2a plus b cube minus 2a minus b cube 2a plus b cube minus 2a minus b cube हाउ टू सॉल्व दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल यू फॉलो द फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है पहले इसको देखना a प्लस बी का क्यूब फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूं ये फॉर्मूला फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा आपको सेकंड फॉर्मूला आएगा a माइनस बी क्यूब a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इन दोनों फॉर्मूले को यूज करना है इस फॉर्म इस क्वेश्चन के अंदर चलिए करते हैं सबसे पहले 2a plus b cube दिस वन लाइक दैट जैसा a plus b cube का फॉर्मूला वैसे यहां पे डिक्टो इसको अप्लाई करते हैं चलिए 2a तो a cube की जगह 2a है तो 2a cube plus 3a square b 3 को ऐसे रखो as it is a square b a की जगह कौन है a की जगह है 2a तो 2a square इंटू बी प्लस प्लस है तो प्लस रखिए प्लस 3ab स्क्वायर 3 को एज इट इज रखो ए बी स्क्वायर ए की जगह 2 है तो 2a प्लस पे रखेंगे इंटू बी स्क्वायर बी एंड लास्ट वन बी क्यूब यहां पे भी b है तो b की प्लस पे b क्यूब भी रख देंगे ठीक है इतना हो गया ये वाले माइनस को मैंने रेड साइंस दिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको रेड साइंस लिखा ये माइनस क्वेश्चन का है चलिए अब हम आते हैं कहां पे इसको को सॉल्व करते हैं 2a माइनस b क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे a माइनस b का b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब आइए एट इज इट करते हैं चलो 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b तो 2a स्क्वायर b प्लस 3 2a इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब ये तो हो गया दोनों सॉल्व हो गए अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है अब यह प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा कुछ नहीं एज इट इज इसको लिख दीजिए चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब करें a का क्यूब यहाँ 2 का क्यूब भी क्यूब होगा ये नहीं कि a का क्यूब लिख दिया साथ में 2 रख दिया नहीं 2 के साथ में क्यूब है तो 2 का तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो अगर मैं बोलूँ 2 का क्यूब कितना होगा 8 आप सबको पता होगा तो 8 a क्यूब इतना आ गया ओके गुड प्लस अब करें कि यहाँ पे है 2a स्क्वायर b तो 2a स्क्वायर मतलब है कि 2 का स्क्वायर 2 into 2 4 4 3 जा 12 a स्क्वायर b करेक्ट हो गया इतना प्लस चलिए यहाँ पे कुछ और नहीं है सिंपली है 3 2 जा 6 6 a b स्क्वायर b का क्यूब b है ये हमारा एज इट इज इस तरह से सॉल्व हो गया जैसा हो गया अब ये भी इसी तरह से होगा जहां प्लस माइनस का थोड़ा सा होगा माइनस को एज इट इज पहले से रखो भी अभी वहां पे कुछ नहीं करना कोई छेड़ना नहीं आगे देखो तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर ab स्क्वायर माइनस b क्यूब दोबारा मैं इसको बताता हूं एज इट इज रखिएगा इस फॉर्मूले को लगेगा यहां पे 2a था तो 2a का क्यूब कितना हो जाएगा 8 2 का 8 होता है क्यूब a क्यूब 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर माइनस अब इसको ओपन करने जा रहा हूं तो ये वाला एडिशन यहां पर रख दिया 8 क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर प्लस b क्यूब अब ये माइनस माइनस रखा अब ध्यान रखना यहां पे प्लस है यहां माइनस है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस 8 क्यूब ओके यहां माइनस है यहां पे माइनस है माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा प्लस हो जाएगा प्लस 12 ए स्क्वायर बी अब यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 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 6 ए स्क्वायर बी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया अब इसको हमको कैसे कर देखना जो सेम सेम होगा उसको रख लेंगे प्लस माइनस होगा जो कैंसिल हो जाए करते हैं यह है 8 क्यूब यह है माइनस 8 क्यूब ये तो यह कैंसिल हो गया 12 ए स्क्वायर ये प्लस में है 12 ए स्क्वायर ये प्लस में 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 ए स्क्वायर बी इतना हुआ जरा देखते हैं आगे क्या है प्लस 6 ए बी स्क्वायर माइनस 6 ए बी स्क्वायर दिस इज आल्सो कैंसिलेशन ए बी कैंसिल हो जाएगा प्लस बी क्यूब
बी क्यूब, तो 2b³ ये बचा। क्लियर हो गया सबको, होश सबको आ गया होगा। सिंपली हमें फॉर्मूले को ध्यान में रखना होगा, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा तभी आएगा। हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया है, प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना, जहां पे कैंसिल होता है, कहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है, बाकी बहुत इजी है क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस और है इस सेट में सिंप्लीफाई कर सकते हो, ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट बताऊंगा।